बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। हाईकोर्ट ने कल जो कहा, हम लोग विगत एक वर्षों से कहते थे कि आपका शराबबंदी पूर्णतः असफल है, जितने भी राजद के नेता हैं वही सबसे बड़े शराब माफिया हैं, बालू माफिया हैं। आप शराब माफिया और पुलिस मिलकर के 1,000 करोड़ रुपए से बिहार का पैसा आपस में बांट लिया जाता है और पूरे बिहार को नशे में ढकेला जा रहा है। कल वर्षों बाद हाईकोर्ट की जो टिप्पणी आई है और जिस प्रकार की टिप्पणी है उससे पूरे बिहार सरकार को शर्मिंदगी होनी चाहिए। अगर कोर्ट यह मानता है कि आप बिल्कुल असफल हैं और आप पूर्णतः एक तरह से नए नशे का बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं क्योंकि आपके पुलिस की कोई दिलचस्पी नहीं, और यह बात माननीय मुख्यमंत्री को छोड़ के बिहार के प्रत्येक जनता को मालूम है कि किस तरह से यहाँ शराब माफिया पुलिस के गठजोड़ से चलता है और कैसे हर मोहल्ले हर घर में शराब सप्लाई होती है, और यह होने के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि जिस प्रदेश का डीजीपी को कोई एक साधारण आदमी फोन करके कहता है कि मैं चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ और डीजीपी साहब यस सर नो सर करते हुए सभी आदेशों का पालन कर देते हैं, तो वैसे डीजीपी और वैसे पुलिस की तो अक्षमता सभी जग जाहिर है। आज मेरा यह स्पष्ट आरोप है, यह तो एक सिंगल केस था जिसमें एसएसपी का पकड़ा गया, आपने एसएसपी का निलंबन कर दिया। उस व्यक्ति ने कितने आपके प्रधान सचिवों को फोन किया, आपके चीफ सेक्रेटरी को फोन किया है कि नहीं किया है, और कहीं आपको भी फोन किया है कि नहीं किया? जांच तो इसकी भी होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक व्यक्ति के आदेश से एसएसपी को बचाया जाता है, यह बताता है कि बिहार में पूर्णतः पुलिस व्यवस्था खत्म हो गई है। पाटलिपुत्रा कॉलोनी में अगर हरनौत के किसी मुखिया का पति है तो उसकी हत्या करने के लिए गांव का जगह नहीं चुना जाता, वह पटना चुना जाता है कि पाटलिपुत्रा थाना के बगल में अगर हम हत्या करेंगे तो हम बच के निकल सकते हैं। अगर ट्रेन में डकैती डालनी होती है तो कहलगांव, बगहा, किशनगंज का कोई कोने का सुदूर इलाका नहीं चुना जाता, उसके लिए भी डकैतों को सबसे आसान और सबसे सुरक्षित डकैती डालने की जगह पटना ही लगता है कि पटना से जब दुरंतो एक्सप्रेस चलेगी तो हम डकैती डालेंगे। यह मैं एक साल से माननीय नीतीश कुमार जी को समझा रहा हूँ, जब मैं पहले से बोलता था कि आपके जितने भी शराब माफिया हैं सब वही राष्ट्रीय जनता दल के वही पुराने नेता हैं जो किसी जमाने में हत्या और अपहरण करते थे, अब सबसे आसान पैसा शराब में है और पुलिस के मिली भगत से हो रहा है, और इसीलिए जब पुलिस और अपराधी का यह गठजोड़ है तो जाहिर बात है कानून व्यवस्था खत्म होगी। अगर पुलिस शराब माफियाओं को शरण देगी तो उनके जो भी गुर्गे जो अपराध करेंगे उसके भी शरण उनको मिलता है। जितने भी अपराधी गतिविधियां हैं सबका अड्डा पटना हो गया, यह बताता है कि पटना में जो बैठे हुए लोग हैं उनके प्रति किसी का कोई डर नहीं है। लेकिन यही बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, वो मिनिस्टर आपके हैं, बलात्कार के मामले में जो दोषी हैं उनको बड़ी करने का काम आपकी सरकार ने किया है, यहाँ तक कि हरियाणा में किसी जगह नहीं। जो सजा होती है सजा पूरा होने के बाद ही, गलत बात मत बोलिए, गलत अफवाह नहीं फैलाइए, जितने दिन की सजा हो के होने का सजा पूरी होने के बाद ही कभी कोई, और वो दिल्ली से गाइड नहीं होता, स्टेट का मैटर है, और किसी भी का भी जो सजा पूरा हो गया उसके बाद अगर कोई स्टेट कर रहा है तो यह उस स्टेट में पूछिए, बिहार के स्टेट में बिहार के प्रश्न पूछिए, और जिनको सजा हुई है उसके बाद ही कोई कार्रवाई हुआ। नहीं, बहुत ही दुखद बयान है, मैं हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं, इस तो किसी भी विधायक को सोच समझ के बयान देना चाहिए। मेरी उनसे सीधे बात हुई है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और उसके बाद उनका उचित जवाब की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ।